शनिवार को पाटलिपुत्र पटना की पावन भूमि पर राष्ट्रपिता बापू सभागार में हम सब बिहार के युवा एकत्रित हैं। महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी आचार्य चाणक्य सम्राट अशोक एवं मगध की गौरवशाली संस्कृति की करते हुए स्मरण करते हुए संकल्प करते हैं कि संकल्प करते हैं पूरे बिहार के 5 लाख नए युवाओं को युग निर्माण योजना से जोड़ेंगे 500 युवा अग्रदूत तैयार करेंगे प्रत्येक जिले में नृत्य परिष्कार कक्षा आरंभ करेंगे प्रत्येक जिले में बाल संस्कार शालाओं की स्थापना करेंगे तहसील स्तर तक युवा मंडल का गठन करेंगे प्रत्येक जिले में यूथ एक्सपो का आयोजन करेंगे विशेष के सब आंदोलनों आधारित रचनात्मक कार्यों को गति प्रदान करेंगे परम पूज्य गुरु सत्ता एवं वेद माता गायत्री हमारे संकल्पों को पूर्ण करें। देखो भाइयों बहनों, मुझे एक बात कहनी है आपसे कि आप लोग छठ की पूजा में गंगा जल का सेवन करते हो, गंगा जल में आप पकाते हो उसको, जो तीसरे दिन मनाते हो या दूसरे दिन मनाते हो, तो आप गंगा को पवित्र करने का संकल्प क्यों नहीं? हमारा मदद नहीं है गंगा की पवित्रता में, तो वहां से चल के आ रहे हैं कहाँ से, गोमुख से लेके आ रहे हैं गंगा को पवित्र बनाते हुए, उसकी सफाई में आप लोगों का योगदान भी हमको चाहिए। तो जितने भी यहाँ पटना के पाटलिपुत्र के युवा और प्रबुद्ध जितने भी बैठे हैं, कम से कम एक दाया हाथ उठा के संकल्प लें, हम गंगा को पवित्र बनाने में मदद करेंगे, ना हमको 10 लाख स्वयं सेवकों की जरूरत पड़ेगी अगले दिनों 2021 के बाद, तो 10 लाख स्वयं सेवक हम अलग अलग किस्तों में बुलाएंगे। आपका दिन आपका हो सकता है 2 महीने या 3 महीने का समय हम चाहेंगे, 2026 तक हम पूरी गंगा को स्वच्छ करके दिखा देंगे, ये हमारा संकल्प है। हमारे सिवान की टीम भी आ गई है, अपन स्थान पर खड़े होकर के मशाल को हाथ में लेकर सामने की ओर मुंह करें, सदैव डॉक्टर साहब से प्राप्त करते हुए सामने की ओर मुंह करिए। बोलिए भारत माता की जय, लाल क्रांत की लाल मशाल जलेगी सदा जलेगी, लाल क्रांत की लाल मशाल सदा जलेगी सदा जलेगी, युवा क्रांति की लाल मशाल सदा जलेगी सदा जलेगी। इसके बाद में जैसा सुखेर साहब ने अपने उद्बोधन में उल्लेख किया था कि हमारे राजगृह में एक विशेष प्रकल्प खड़ा हो रहा है, उसके हमारे सम्मानी रामानंद सिंह जी हम सबके बीच हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि अपनी शिला पट्टिका लेकर वहां मंच पर सदैव डॉक्टर साहब के समक्ष पहुंचेंगे, सदैव डॉक्टर साहब उनकी शिलाओं का पूजन करेंगे, जिससे भविष्य के उद्घाटन का क्रम निर्माण का क्रम इसी के साथ प्रारंभ होगा। आदरणीय रामानंद जी पहुंचे और अपनी शिलाओं लेकर हमारी युवा इधर सामने की ओर आ जाए। लेकिन शिला पूजन के साथ विक्रम शुरू हो रहा है राजगीर में, आप सबको इसमें योगदान करना है, वहाँ पर जाकर के पहली शिला स्थापित होगी, इसका पूजन आप किस पूजन से किया जाए।